नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो सक्सेस स्टोरी है वो है लाटविया का स्टूडेंट वीज़ा आया है, स्टूडेंट भी हमारे साथ है। क्या प्रोफाइल रही है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लाटविया में क्राउन इमिग्रेशन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए भेजती है और इवन जैन 2014 का भी इनटेक लाटविया का ऑलरेडी ओपन हो चुका है। जिन्होंने लाटविया में पढ़ने के लिए जाना है तो वो क्राउन इमिग्रेशन से भी संपर्क कर सकते हैं। तो हमारी नंबर ऑफ वीडियोज़ हैं स्टडी इन लाटविया से रिलेटेड, उसकी हमने एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनाई हुई है। उस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है, वहाँ जाकर हमारी नंबर ऑफ वीडियोस भी देख सकते हैं, सक्सेस स्टोरीज भी देख सकते हैं। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपने अपना केस कौन से कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करना है। हमारे पास आज तक हमने किसी भी स्टूडेंट को FTS के थ्रू नहीं भेजा है, जिसको हम फंड ट्रांसफ़र सिस्टम कहते हैं। बहुत सारे कंसल्टेंट बच्चों को कहते हैं कि आप अपने वहाँ पर फ़ंड ट्रांसफ़र कर दीजिए, जो आपके लिविंग एक्सपेंसेस है 7500 यूरो प्लस फीस, तो आपका वीज़ा ग्रंटेड आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, वीज़ा नॉट इन माई हैंड्स, ये मेरे हाथ में नहीं है, ना यूनिवर्सिटीज़ के हाथ में है। वीज़ा विल बी गिवन बाई द OCMA, जो कि अपनी एम्बेसी है लाटविया की, उसने देना है बच्चे की प्रोफाइल चेक करने के बाद। इट इज़ नॉट कि आपने FTS के थ्रू वहाँ पे फ़ंड भी ट्रांसफ़र कर दिया, आपका ग्रंटेड वीज़ा आ जाएगा। इन चीज़ों से भी आपने बचना है। मैंने फिर बता दिया, आज तक हमने नॉट ए सिंगल स्टूडेंट का भी वीज़ा है थ्रू FTS लिया है। इवन इस स्टूडेंट का वीज़ा भी विदाउट IELTS आया है। स्टूडेंट की प्रोफाइल 22 ईयर्स स्टूडेंट की एज है और अपनी इसने 12th की है कमर्स स्ट्रीम से, उसमें इसके 80% मार्क्स हैं। तो इनकी जर्नी हमारे साथ कैसी रही है, ये सारी की सारी हमारी ये डिस्कशन रहेगी। आपने अगर लाटविया का एडमिशन अपने लेवल पर ले लिया हुआ है, आप हमारी कोई असिस्टेंस चाहते हैं, आइदर वीज़ा फाइलिंग के लिए, कोई हेलो वेरीफाई के लिए, कोई वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए, कोई इंटरव्यू पर्पस के लिए, ये सारी की सारी आपको सर्विसेज क्राउन इमिग्रेशन के थ्रू मिल सकती हैं। तो अभी बच्चे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो के अंदर और मेरी ओर से आपको नमन है। नमस्कार है। नमस्कार सर। तो सबसे पहले ये बताइए कि हमारे बारे में आपको कहाँ से पता चला था। मेरे भाई ने बताया था, वो यूरोप में ही है और उसने किसी से बात करवाई थी, तो उसने वहीं से हमें पता चला था यहाँ के बारे में। हमें मिलने से पहले कभी आपने अनदर कंसल्टेंटों से भी कभी अप्रोच किया, कहीं पर टाइम वेस्ट किया या कहीं अप्लाई किया हो, ऐसा कुछ नहीं? वैसे कहीं पर नहीं, बातें थी यही फर्स्ट टाइम। तो आपने अपनी 12th कौन से साल पास आउट की? मैंने 12th की 2021 में। कौन सी स्ट्रीम से? कॉमर्स स्ट्रीम से। कितने परसेंट मार्क्स हैं? 80% मार्क्स है। तो आपने विदाउट IELTS डाला था अपना? यस, विदाउट IELTS। तो आपने हमारी कभी वीडियोस भी, हमारा सोशल मीडिया चेक किया, कभी वीडियोस वॉच की? YouTube पर देखे थे। वीडियोस में क्या इन्फॉर्मेशन जो हम डालते हैं वो कैसी लगी, मतलब जो भी हम वीडियोस डालते हैं? अच्छा लगा, बच्चों की सक्सेस स्टोरी के बारे में सुना और हमें भी ऐसा हुआ कि हाँ जाना चाहिए। ठीक ठीक। तो आपने जो फंड्स हैं वो यहीं पर दिखाए थे या लाटविया के अंदर दिखाए थे? फंड्स लाटविया एम्बेसी में। नहीं नहीं, जो फंड्स दिखाए थे वीज़ा पर्पस के लिए, अपने पेरेंट्स के अकाउंट में थे या आपके अकाउंट में थे? मेरे पेरेंट्स के। पेरेंट्स के अकाउंट में थे। तो जब आपका एडमिशन आया था वो कौन सी यूनिवर्सिटी से आया था? तरीबा यूनिवर्सिटी। वहाँ पे इंटरव्यू हुई थी कोई? यस। टेस्ट भी हुआ था? हुआ था, रिटन टेस्ट हुआ था। तो रिटन टेस्ट भी दिया आपने, इंटरव्यू दी, उसकी हमने कोई प्रिपरेशन करवाई थी आपकी? प्रिपरेशन करवाई थी। तो आपकी जो इंटरव्यू में जो लाटविया की जो तरीबा यूनिवर्सिटी है, वो क्वेश्चन क्या पूछती है बच्चों से? क्वेश्चन कुछ ज़्यादा टफ नहीं होते, इंट्रोडक्शन लेते हैं और स्टडी के बारे में पूछते हैं, और क्यों पूछते हैं आप यही कंट्री क्यों जाना चाहते हो, यही कोर्स क्यों है। तो जब आप एम्बेसी गए थे वहाँ पे भी कोई इंटरव्यू हुई थी? यस हुई थी। वो फिजिकली हुई थी या जूम के थ्रू हुई थी? ऑनलाइन मीटिंग हुई थी। तो उसमें भी कोई क्वेश्चन पूछे थे एम्बेसी ने आपसे? पूछे थे। उसमें क्या पूछा गया था? इंट्रोडक्शन थी और पूछा था लाटविया कंट्री क्यों आपने चूज़ किया फॉर फर्दर स्टडी एंड यही कोर्स क्यों। तो आपको ये सारे के सारे टिप्स प्रोवाइड किए थे हमारी कंपनी ने या हमारे स्टाफ ने जब आप एम्बेसी में गए थे जहाँ आपने यूनिवर्सिटी की इंटरव्यू दी थी? जी, यहीं से तैयारी करवाई। तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है हमारी कंपनी के साथ? बहुत अच्छा था, नेचर बहुत अच्छा है सभी का। तो बाकी जो आपके स्टाफ जो आपको डील कर रहा है, कभी उन्होंने आपको इग्नोर किया हो, कभी टाइमली मैसेज ना का जवाब ना दियो, ऐसा कुछ महसूस हुआ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, सभी अच्छे हैं, बाय नेचर बहुत अच्छे हैं एंड इंटरेक्ट करने में बहुत अच्छा रहा। ठीक है। तो अभी ये देखिए इनका सक्सेसफुली वीज़ा आ चुका है। तो हमारे नंबर ऑफ और भी बहुत सारे फाइल एम्बेसीज के अंदर हैं, उनके भी जो भी रिजल्ट्स हैं आएंगे उनको भी हम रेगुलर अपडेट करते रहेंगे। क्राउन इमिग्रेशन के पास नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं फॉरेन कंट्री में पढ़ने के लिए। आप हमारी नंबर ऑफ वीडियोस हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो लास्ट मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।